interesting and you understood. So likewise today also, I assure you it will be interesting and you will understand. So now what we did actually historical part jisme logo ko interest nahi hota hai. Aaj hum kar rahe hain East and West Germany. Yesterday we ended with the suicide of Hitler. Okay, with the suicide of Hitler, everything related to Nazi, swastika, Nazi dictatorship, Holocaust, Auschwitz, Jews ka murder, wo sab band ho gaya. Theek hai? There were four countries who occupied Germany, USSR, USA, UK, France. All right. So these four countries, they occupied Germany, certain area, and that area is called occupational zone. Occupational zone. Okay, so it is important. Four occupational countries in Germany, USSR, UK, USA, France. Okay, geography sab aapko yaad honi chahiye. Imagine karna hai ki UK ne north se kiya hoga, USSR ne east se kiya hoga. Alright, ye sab aapka imagination bahut achhi honi chahiye. Now, 1945 is called Stunde Null. Stunde R, null, zero. Null. Yeah. So zero R. Zero R is the time when there is no economy, no government, no politics, no social welfare, no society, nothing. तो वो जर्मनी जो आज सबसे डेवलप्ड है वो 50-70 साल पहले जीरो R एक्सपीरियंस किया था जर्मनी में. Stuttgart, even Berlin, सारे जितने मेजर मेजर स्टेट्स हैं, मेजर मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, सब सिर्फ ईट, पत्थर और मिट्टी, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था. ये कहा जाता है कि हैम्बर्ग में एक जू था, जब बॉम्बिंग्स हो रही थी तो स्ट्रीट पे जिराफ भाग रहे थे, स्ट्रीट पे एलिफेंट भाग रहे थे. एटलीस्ट पीपल न्यू की बॉम्बिंग हो रही है, बट एनिमल्स इवन डिडंट नो कि ये हो क्या रहा है. ओके, सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन द सिचुएशन दैट जर्मनी हैज गॉन थ्रू वेरी बैड फेज. सो दैट इज व्हाई व्हाट जर्मनी इज टुडे, इट्स अ वेरी मच रिजल्ट ऑफ व्हाट दे डिड और व्हाट हैपेंड विद जर्मन्स. ऑलराइट, ओके. नाउ वन थिंग मोर, जर्मनी आजकल हर रिफ्यूजी को वेलकम कर रहा है, तो इसका भी ये रीजन है. उसने इतने लोगों को मारा भी है, तो एक तरह से अपनी गिल्ट मिटाने के लिए. ठीक है, आई एम सेइंग दीज थिंग्स ऑन रिकॉर्ड बिकॉज देर आर इंटरव्यूज जहाँ पे ये बातें साबित हुई है कि इट्स नॉट दैट जर्मनी सो ओपन आर्म्ड एंड वेलकमिंग रिफ्यूजीज की कम हमारे देश में आओ. नो, इट्स देयर गिल्ट विच दे वॉन्ट टू हाइड, इट्स देयर गिल्ट विच दे वॉन्ट टू इरेज फ्रॉम द हिस्ट्री. ऑलराइट, मे बी 100 ईयर्स बाद ये नाजी जर्मनी के बारे में सब भूल जाएंगे और क्या रहेगा कि good golden side of Germany. Okay, so you being a future Genuite, being a future student of Center of German Studies, we have to be very critical. All right, now very important, East and West Germany. Sab log meri baat suno, notes mat dekho, ye aap baad mein padhna. 1945, zero R, kuch nahi tha, ek shunya. Then ab kiske haath mein tha Germany? Char sarkar ke haath mein. Ab wo sarkar kaun thi? USA, UK, France. इन तीन की सरकार एक है, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, पीपल वोट करेंगे, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे. ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी और डेवलपमेंट होगा, लोगों को जॉब मिलेंगी, सबके पास घर, कपड़ा, गाड़ी सब होगा. ऑलराइट, तो जर्मनी डिवाइड हो चुका है ईस्ट एंड वेस्ट में, तो इन तीन कंट्रीज ने जर्मनी को इकट्ठा बना दिया, कह दिया वेस्ट जर्मनी. जर्मनी इट्स नॉट दैट ये फ्रांस का USA नहीं. ठीक है, तो इन तीन कंट्रीज ने एक जर्मनी बना दिया, दैट इज वेस्ट. नाउ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वेस्ट जर्मनी, द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वेस्ट जर्मनी वॉज अकॉर्डिंग टू दीज थ्री कंट्रीज, दैट इज डेमोक्रेटिक, कैपिटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ केम ईस्ट जर्मनी. ईस्ट जर्मनी वॉज अकॉर्डिंग टू USSR. USSR हैड कम्युनिस्ट रेजीम. ऑलराइट, वहां पे कौन था अभी? स्टालिन, लेनिन, कुरुशेव, देन गोर्बाचेव. ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए. नाउ ईस्ट जर्मनी, यूएसएसआर ऑक्यूपाइड ईस्ट जर्मनी एंड अ न्यू कंट्री वाज फॉर्म्ड, ईस्ट जर्मनी. सो नाउ दी लाइक डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, सेम डिवीजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी. इवन हमारी हिस्ट्री, इंडिया में क्या हो रहा था उस वक्त, ये भी आपको पता होना चाहिए. इंडिया वॉज अ न्यू कंट्री, अभी अभी हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो बेसिकली जितने भी लाइक
जर्मनी, यूएसए, चाइना, इंडिया, यूएसए सॉरी यूके, इन सबकी हिस्ट्री आपको एक साथ लेके चलनी है, देन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर. ऑलराइट, नाउ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एंड जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तीन, ये दो नाम ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के थे. राइट, वेस्ट जर्मनी की कैपिटल बॉन, ईस्ट जर्मनी की कैपिटल ईस्ट बर्लिन. जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, जर्मनी डिवाइड हो गया था, वैसे ही बर्लिन भी डिवाइड हो गया था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी. ओके, सो नाउ जस्ट इमेजिन, कंट्री है, कंट्री में एक छोटे ईस्ट पार्ट में है, एक बर्लिन है, और बर्लिन भी डिवाइडेड है. ओके, नाउ कॉनराड अडेनोयर इज कॉल्ड अ फादर ऑफ जर्मन हिस्ट्री और फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी. ही वॉज द फर्स्ट चांसलर, फेडरल चांसलर, पीपल इलेक्टेड हिम. ऑल राइट, नाउ वेस्ट जर्मनी ज्वाइंड नेटो. नेटो, व्हाट्स नेटो? नॉन अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वेयर दे प्लेज दैट वी विल नॉट अटैक एनी कंट्री, एंड इफ समबडी अटैक द नेटो कंट्रीज देन वी विल कम टूगेदर. सो बेसिकली इतना ज्यादा अनस्टेबल था पूरे वर्ल्ड में, अनस्टेबिलिटी थी, जापान है, इटली है, हर जगह हर कोई अपनी पावर दिखा रहा था, वॉर कर रहा था. ठीक है, सो विद वर्ल्ड वॉर टू एवरीथिंग हैपेंड. नाउ पीपल वर एक्चुअली सैचुरेटेड विद वॉर, विद डेथ्स, विद ब्लड शेड. सो नाउ दे केम अप विद नेटो, देन दिस नेटो एंड यूएनओ. ओके, सो यूएनओ कैसे फॉर्म हुआ, इसका भी ये रीजन था वर्ल्ड वॉर टू. ऑल राइट, पीस कीपिंग, there should be a peace. If you are a member of UNO, then there has to be a peace. All right? Now, ab do history hum parallelly leke chalenge. Sab aap bas mujhe sunna abhi. Okay? East Germany, West Germany. East Germany ke records nahi hai. East Germany mein kya hota tha? I'm telling you 2-3. Walter Ulbricht. All right? West, now you know the difference. When I say West Germany, it means democratic rule. When I say East Germany, it means communist rule. Now you critically analyze what was better. Okay, I am no one to judge. You have to critically analyze. East Germany mein pure 28 saal, 30 saal sirf ek president tha, Walter Ulbricht. Ek chancellor tha, Heinrich Honecker. ठीक है, पूरे ईस्ट जर्मनी में इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आया. पीपल डिड नॉट हैव राइट टू वोट. और वेस्ट जर्मनी में एटलीस्ट एवरी 5 इयर्स देयर वाज अ चेंज इन गवर्नमेंट, दे हैड पॉलिटिकल पार्टीज. राइट, नंबर वन थिंग. नंबर टू, ईस्ट जर्मनी दे हैड देयर सीक्रेट पुलिस. इफ यू आर ऑथर, यू आर राइटिंग अगेंस्ट ईस्ट जर्मनी, यू आर राइटिंग अगेंस्ट ईस्ट ऑथर्स, तब वो आपके घर में कैमरा फिट करते थे. यू डोंट नो वेदर योर नेबर इज अ सीक्रेट पुलिस, वेदर योर चाइल्ड इज अ सीक्रेट पुलिस, वेदर योर स्पाउस इज अ सीक्रेट पुलिस. सो बेसिकली इफ आई एम राइटिंग अगेंस्ट ईस्ट जर्मन गवर्नमेंट एंड आई एम लिविंग इन ईस्ट जर्मनी एंड माई स्पाउस इज सीक्रेट पुलिस, देन ही विल मेक दिस विच पीपल डिंट नो. सो देर वॉज नो सोशल गैदरिंग और नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, and there used to be Überwachung, basically surveillance. Camera were fitted, mic were fitted in your rooms. Okay, what you are talking, why you are gathering, huh? And there are so many stories, so many poems, so many plays on these. Okay, these things are on record. Now West Germany mein kya ho raha tha, itna East Germany mein 20-30 saal itna hi hua hai, kuch aur nahi hua hai, kyunki record hi nahi hai. क्या हुआ है किसी को पता ही नहीं है. ऑलराइट, लाइक नॉर्थ कोरिया. नाउ वेस्ट जर्मनी वी नो एवरीथिंग. वेस्ट जर्मनी में देयर वर नाउ नो यंग मेन. व्हाई? बिकॉज़ हु वर लेफ्ट? ओल्ड पीपल, विमेन और मेन, यंग लेडीज, विमेन और किड्स मे बी लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज. अब किस चीज की जरूरत थी वहां पे? मैनुअल लेबर की जरूरत थी, जो कोई काम कर सके. अब ये कौन आए? ये गेस्ट वर्कर्स बुलाए गए अलग अलग देशों से, मोरक्को, टर्किश, स्पेन, यूगोस्लाविया, जहां जहां जिस देश को पैसे की जरूरत थी वहां वहां से गेस्ट वर्कर्स बुलाए गए. तो आज हम देखते हैं कि जर्मनी इतना डाइवर्स है, जर्मनी में इतने टर्किश रेस्टोरेंट्स, इतने टर्किश लोग हैं, तो वो क्यों है? वो उस उन गेस्ट वर्कर्स का रिजल्ट है. सम पीपल वर्कड, दे हैड कॉन्ट्रैक्ट, दे वेंट बैक. And some people, they remained there and now they are children, they are citizens of German, but their roots are Turkish. There are so many famous directors, there are so many famous footballers,
who are from Turkish origin. Okay, so that is why there is a very good relation between Turkey and Germany. Now, people were electing. There was political system. Students, they had this option to oppose a government. Then there was students reform. Okay, so ये छोटी छोटी चीजें West Germany में हो रही थी. East Germany में you cannot reform. All right. Now in West Germany, USA helped. USA gave millions of dollars to West Germany to build themselves up, to rebuild. So now everyone in West Germany had a job. Everyone, now MNCs, big companies were investing in West Germany. East Germany, they were not allowed. Okay, now just imagine, you have to compare. So now everyone in West Germany had a car, they had a salary, they had a home, they had good clothes and good food. Okay, so basically Willy Brandt, Konrad Adenauer, they are very, you know, very strong people, and they are very, every street, like in India, we have every street is, in every city we have Mahatma Gandhi Road, something, yeah. In Germany, every street, in every city, they have one Konrad Adenauer Street, Willy Brandt Strasse is street, okay. So that is why these people are very important, because they laid the foundation of developed and modern Germany. Okay, so even their motto was everyone should has a car, yeah, car, a luxury thing. So basically the standard of living, the quality of living was raised. Now, what else? Yeah, one more thing. West Germany started to become sustainable. It means they started to manufacture things in their own country. Yeah, when something was made in Germany, it was of high quality. Even in India, if you get anything which is made in Germany, it's still very high quality. Okay, so made in Germany was a brand. This motto, made in Germany, like made in China, if something is made in Germany, then that has to be super good quality. Okay, so West Germany mein economy is so down, people are not getting food, people are, they do not have home, government ne apartments bana diye hain, now you live there, there is no life, no nothing, okay, and in good movies and entered to Germany, and Germans sold their movies to Hollywood. So that is why it's still there. If any director is making a German movie, it's a part of Hollywood. And the second investment was Coca-Cola. Coca-Cola was a luxury. Coca-Cola was so much luxury that people in East Germany, they used to hide and drink and buy Coca-Cola. Okay, they used to hide from the government and drink coffee, because coffee seeds were a item of, you know, exotic item and luxurious item. Okay, so you can imagine the life of East German and a West German. Now, okay, these tensions were there. One historical incident of 1953 from East German is, there was a statue, Stalin's maybe a death anniversary or birth anniversary, and Walter Ulbricht wanted to establish a statue of Stalin or Lenin. I'm just not remembering the name. Okay, so daily wage workers, manual workers, they were asked to erect the statue. Now people were getting very low wages, so they you know, shouted slogans against government that we should get high wages, our pay should be improved, you know, these kind of thing. Then actually the government, they brought panzer is tank jo war mein use hote hain, wo East German sarkar ne, communist regime ki sarkar ne tank street gharon ke beech mein. So you can imagine East German mein ye ho raha tha, or West German mein people were happy and they were, you know, improving themselves. Okay, so this just I remember, that's why I said, otherwise these things are not of importance. Now came let's say European Union bhi ban gaya, West Germany bahut kuch kar raha hai, theek hai. Ab East Germany mein kuch nahi ho raha hai. East Germany ke relations bhi itne acche nahi the sabke sath, baki countries ke sath. Ab aata hai 1960 1961 is very
very important because it's a erection of Berlin Wall. It's a manufacture of Berlin Wall. Now, Berlin Wall is a wall or was a wall between East and West Berlin. If you see the map, if you see on Google, the images of Berlin Wall, okay? So, rato raat mein, agar suppose there's a Berlin and my family members is on the other side. I'm on the other side. I'm a student or maybe my spouse is on the other side. Yeah, rato raat mein jo jahan tha wo wahi reh gaya tha aur barbed wires. Wires, ye gharon mein aapne dekhi hongi. Wires hoti hain boundary pe. Jaise bandar na aa jaye, kuch koi janwar na aa jaye, kutte na aa jaye. Theek hai? Wo barbed wires, unme current tha. Wo bichha diye gaye the rato raat. It was only one night thing. All right. So people were shocked. They got up in the morning. They were shocked. Ek apartment hi divide ho gaya tha. Ye East Berlin ka part, ye West Berlin ka part. You see these images, they are very well on the Google. Okay. So you can imagine ki aisa kyun ho gaya. East German sarkar ne jo communist regime ki sarkar hai, jo ekdam failed government thi, unhone aisa kyun kiya. So basically they wanted ki kuch tension nahi ho rahi hai. West German खड़ी कर दी, डिविजन कर दिया. अब किससे प्रॉब्लम होनी है? जो वेस्ट जर्मन, जो वेस्ट बर्लिन में आएगा, उसको प्रॉब्लम होनी है. ठीक है? सो बेसिकली दिस वाज नथिंग बट अ प्रोपोगेंडा अगेन टू यू नो व्हाट वी से टू नाउ people from East Germany, they were not happy. They wanted to go to West Germany. They wanted to flee to West Germany. और वो भागना चाहते थे. तो उनको shoot at sight के order थे. आप सोचो, एक सरकार अपने ही लोगों पे tank के गोले बरसा रही है. कोई सरकार अपने ही लोगों पे shoot at sight के order दे रखे हैं. तो वो कितनी failed सरकार होगी कि उसको weapons use करने पड़ रहे हैं अपने ही लोगों पर. ठीक है? तो ये it's your you know it's your decision to critically analyze these thing. All right. So ये वॉल रही करीब 30 साल रही, 30-35 साल रही, टिल फ्रॉम 1961 टिल 1989 में पीपल फ्रॉम ईस्ट जर्मनी, वॉल्टर उल्ब्रिश्ट डाइड. सो पीपल फ्रॉम ईस्ट जर्मनी, दे यू नो दे वर सैचुरेटेड. वो बहुत परेशान हो गए थे कि ये क्या हो क्या रहा है. हमारे फैमिली मेंबर्स अलग हैं 30 सालों से, हमारे बच्चे अलग हैं 30 सालों से, चल क्या रहा है ये. हम लोग हमारे हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है. और वेस्ट जर्मनी इतना इतना ज्यादा बूम कर रहा है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, उसका इतना नाम हो रहा है, इतना डेवलप कर रहे हैं. ठीक है? देन पीपल एक्चुअली स्टार्टेड टू मीट इन चर्च एंड दीज आर मोंटाग्स डेमोन्स्ट्रेशन. मोंटाग इज मंडे, मंडे डेमोन्स्ट्रेशन. एंड दे वर वेरी पीसफुल. वो बस कैंडल लेके स्ट्रीट्स पे जाते थे. दे वर वेरी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन. Okay, because people used everything, they protested also everything, but government was very, very bad in East Germany. Okay, so at last, there was one angel, Gorbachev, who is also known as Gorby in USSR. Okay, and he started perestroika. These are not the things to remember. These are only things to listen. You just listen कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए मैं आपको ये सारी details बता रही हूँ. ठीक है? उनका interview हो रहा था, तो press conference में एक journalist ने उनसे पूछ लिया कि कब ये आना जाना जाना कब start होगा. अब ये आना जाना किन के बीच, East Germany, West Germany, East Berlin, West Berlin, कब? Then he said अभी तुरंत. ठीक है? He said two words, immediately, अभी से. ठीक है? And people were actually listening on radio, all right? And they, you know, they misinterpreted, or they, how they interpreted, they didn't know. They thought that now there will be no wall. People can go. People can move freely from one part of the Berlin to the other part. Okay? So, आप ये देख रहे हो, रशिया, USSR में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ईस्ट जर्मनी में रेडियो पे लोग सुन रहे हैं, इवन जो पुलिस वहां पे खड़ी करी गई है बर्लिन वॉल के अलोंग, वो भी सुन रही है. ठीक है? और वो बस कहता है अभी से. एंड पीपल यू नो दे रैन आउट ऑफ देयर हाउस, दे स्टार्टेड टू ब्रेक द वॉल. वो वॉल पे चढ़ने लग गए. एंड देयर वॉज वन मैन जिसका नाम नहीं लिया जाता है, ही वॉज यू नो पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग दैट पीरियड. उस रात में उसकी ड्यूटी थी. So actually, policemen, they had this order of shoot at sight. Then he, you know, he said,
कि नहीं रहने दो, अभी वॉल टूटनी है. ओके, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट पीपल दे केम अप लाइक एन एंजल एंड यू नो हिस्ट्री ऑफ जर्मनी इट टुक टर्न्स. ओके, तो ये बर्लिन वॉल टूटी. बर्लिन वॉल टूटना एकदम कोइंसिडेंस था, कुछ प्री प्लानिंग नहीं थी कि ये टूटी जाएगी. अब बर्लिन वॉल के जो पार्ट्स हैं वो हर हर शहर में आप देख सकते हो, एक बर्लिन वॉल का पार्ट है, वॉल का. इवन यूएसए में पार्ट है, वर्ल्ड के हर काइंड ऑफ अ मॉन्यूमेंट, अ रियल मॉन्यूमेंट. ओके, so this is how wall was made and this is how wall broke. Okay, now in between there was East and West Germany. East Germans were not so happy, West Germans were very happy, they were developing. And now in 1990, on 3rd October 1990, both the Germany, they reunified. Why it is called reunified? Because unification was done by Bismarck. Thus 15,000 किंगडम थे, उनको जोड़ा, वो यूनिफिकेशन था. फिर हिटलर आया, फिर वर्ल्ड वॉर टू हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के बाद दो जर्मनी हो गए, इसलिए ये रीयूनिफिकेशन है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से इट्स रीयूनिफिकेशन, इट्स नॉट यूनिफिकेशन. ओके, इट हैपेंड ऑन 3rd October एंड टिल टूडे इट्स यू नो इट्स अ डे ऑफ एंजॉयमेंट एंड दे सेलिब्रेट दिस डे. दे रिमेंबर ऑल देयर मार्टियर्स एंड पीपल हु एक्चुअली डेडिकेटेड देयर होल लाइफ टू मेक जर्मनी यूनाइटेड. So that is my theme song is also on unity. Yeah, they are people, actually their relatives after 30-35 years. और वो मतलब आप ये YouTube पे देयर आर वीडियोस कि जब वॉल टूट रही थी लोग कैसे जा रहे हैं, लोगों के पास हथियार हैं, वो वॉल को तोड़ रहे हैं, और पुलिस जिनके पास ऑर्डर थे शूट एट साइट के वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऑर्डर दे दिए गए थे, जो एक उनका ऑफिसर था, कि अब कुछ नहीं करना है, लेट द वॉल कम डाउन. डॉक्यूमेंट्रीज हैं, रियल इंटरव्यूज हैं, सो प्लीज चेक व्हेन यू गेट टाइम. यू नो इट्स वेरी वेरी इमोशनल थिंग्स. नाउ लेट्स कम टू द नोट्स. रीयूनिफाइड जर्मनी एंड द यूरोपियन यूनियन. नाउ व्हेन आई से रीयूनिफाइड जर्मनी, इट मीन्स द जर्मनी, प्रेजेंट जर्मनी. ओके, बेस्ड ऑन द बर्लिन बॉन एक्ट 1994, बर्लिन और बर्लिन वॉज ऑल्सो लव मनी था थोड़े टाइम के लिए. अब दोबारा बर्लिन बन गया था. बर्लिन अगेन बिकेम द कैपिटल ऑफ जर्मनी. वाइल बॉन ऑब्टेन्ड द यूनिक स्टेटस ऑफ अ बुंडेसस्टैट. बुंडेसस्टैट फेडरल सिटी. ओके, सो इट वॉज नॉट अ कैपिटल बट इट वॉज अ फेडरल सिटी रिटेनिंग सम फेडरल मिनिस्ट्रीज. ओके, सो देयर वर सम मिनिस्ट्रीज जो जिनके हेडक्वार्टर अभी भी बॉन में है. Then there were some treaties that Germany signed, and these treaties are very important. Maastricht Treaty, Eurozone, Lisbon Treaty, ye sab details mein nahi karni hai aapko. Then Angela Merkel became a first female chancellor in 2005. Then German used to send their troops, soldiers to Afghanistan. Ye hame pata hai, aap log bahut chote honge, maybe USA bhi bheja karta tha pehle Afghanistan. You can very well imagine Germany is all not okay. So basically in northern side of Germany there is sea, and it is called, like we have Vishakhapatnam, it's a harbor city. Germany territory covers this much square meter, yeah, this much kilometer of water. These things you can ignore. Then we have Germany also shares a border on the freshwater lake Constance with Switzerland or Austria. Okay, so this thing I'll tell you, Constance is a place, and there is one point where actually if you're standing, you can see one, in one direction there is Switzerland, and in the other direction there is Austria. Yeah, so you are in Germany and you are actually looking to Switzerland. Heidelberg, Alps,
Again, these are not so high like Mount Everest or any other mountain in Himalayas. Alps are basically a little bit, you know, they're not so high. They are lower mountains. Lowest point is Wilters Marsh. Marsh is Daldal, okay? Marsh. Then major river Rhine, like we have Ganga. Ganga is the mother figure in India. Rhine is a father figure in India, okay? So Rhine, Germania. Germania is again a demigod in Rome mythology. No, in Greek mythology, you know, like Indian mythology, we have Lord Shiva, Brahma, Vishnu. Yeah, in Islam mythology, then there is Greek mythology. So Germania was this beautiful lady, jiske naam pe Germany ka naam pada hai, aur Rhine. Rhine is a father figure. Then Berlin is situated on the banks of Spree River. Basically, jitni badi badi wahan pe cities hai, sab koi na koi river ke along situated hai. Then we have Berchtesgaden National Park. It's the south of Germany on its border with Austria. It's again. Then blue cornflower was once a German national symbol. Cornflower is like blue flower, which you can very well see in Germany. Ab nahi hai ye, pehle hua karta tha. Then there are 16 national parks in Germany. These things will not come in exam, but it's just for your knowledge. 15 biosphere, 98 natural park, the Berlin Zoo opened in it. People visit, and this zoo is very big. Okay, now, one more thing I wanted to tell you. Huh. Germany is very... क्या होता है जर्मनी ने अपने सब न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दिए हैं दैट वी आर न्यूक्लियर पावर था जर्मनी भी बट उसने खत्म कर दिए न्यूक्लियर पावर प्लांट सब खत्म कर दिए कि वी डोंट वांट वी डोंट रिक्वायर ओके नाउ जर्मनी इज वेरी इको फ्रेंडली कंट्री जर्मनी में जो ट्रैश होता है वो 100% रिसाइकल होता है ट्रैश कूड़ा 100% रिसाइकल वहां पे प्लास्टिक पॉलिथिन यूज नहीं होती है कि वो रह गया और जहाज के थ्रू कहीं इंडिया या अफ्रीका भेज दिया गया नहीं बाकी डेवलप्ड कंट्री ऐसा करती हैं जहाज में कूड़ा भर भर के वो इंडियन ओशन में भेज दिया करती हैं अफ्रीका की तरफ भेज दिया करती हैं ठीक है तो जर्मनी इज नॉट लाइक दैट जर्मनी में ऑलमोस्ट 70% नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हैं लाइक हाइड्रो एनर्जी देन वी हैव विंडमिल्स से भी एनर्जी रिलीज होती है ओके Then you come to politics in these notes. You know, we have discussed almost everything. Yeah. Yesterday, somebody asked about Reichstag. Reichstag is nothing but parliament. So Bundesrat is upper house. Bundestag is lower house. Grundgesetz, constitution. Ye choti moti cheeze hain jo aapko yaad karni hai. Zyada nahi deep mein jana hai. Yeah. Then chancellors of Federal Republic of Germany, Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl. Again, Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, then Helmut Schmidt, Helmut Kohl. Helmut Kohl was actually economic minister when this development were taking place. So that is why Helmut Kohl is also very important. Then chancellors of Federal Republic of Germany, after reunited, yeah, after both the Germanys became one, Kohl, Schröder, then Merkel, yeah, from 2005 till present, Angela Merkel is there. All right, now Helmut Kohl was the first chancellor of a reunified Germany, chancellor from 1933 and Führer, leader from 1934. East Germany was governed by interim administration from December 1989 until the two Germanys were reunited. Interim, you might be knowing, officially someone is not declared as chancellor, because but there is some political governing parties which are governing that area okay then we have 16 constituent states the states are city Berlin Hamburg then as of 2017 Germany is divided into 401 district at a municipal level these consist of 294 rural district and 104 urban district again these minute details are not to be dealt with okay you can just go through you can only read Then foreign relation, NATO, OECD, G8, G20, World Bank. Yeah, World Bank and European Bank, they are in Frankfurt only. IMF is International Monetary Fund. It is again a part of UNO, agency of UNO.
ओके सो बेसिकली जर्मनी, यूएसए, यूएसएसआर, इवन इंडिया, इंडिया भी अफेक्टेड रहा है हिटलर से भी. हमारे सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, दो दे वेंट फ्रॉम यूके बिकॉज वी वर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स. हम लोग ब्रिटिशर्स की तरफ से गए थे. बट यू नो सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली ही रोट टू एंड ही वॉन्टेड टू हैव रिलेशन विद हिटलर. वाई? बिकॉज द मोटिव ऑफ हिटलर एंड सुभाष चंद्र बोस वॉज सेम, टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. अंडरस्टैंड? दो ही हिटलर वॉज वेरी ब्रूटल, या दीज रिलेशन वर नॉट डेवलप्ड, बट या दे वॉन्टेड टू, हिटलर एक्चुअली हेल्प्ड ऑल्सो सुभाष चंद्र बोस. सो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर. देन मिलिट्री, मिलिट्री बुंडेसवेयर, या मिलिट्री इज कॉल्ड बुंडेसवेयर. इट इज यूनिफाइड आर्म्ड फोर्सेस ऑफ जर्मनी एंड इट इज वन ऑफ द यू नो बेस्ट आफ्टर इजराइल, आफ्टर यूएसए. इट्स जर्मनी हुज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एवरीथिंग आर वेरी वेरी बेस्ट विद वेरी गुड क्वालिटी. एंड देन लुफ्टवाफा, लुफ्टवाफा इज एयरफोर्स. या ओके, नाउ लेट्स कम टू इकोनॉमी. दीज थिंग्स यू कैन ओनली रीड, यू कैन लीव एंड read. Then Germany is the world's third largest exporter and third largest importer of goods, okay, and has the largest economy in world. Also the world's fourth largest economy by nominal GDP. So basically Germany is doing very very good. Being a student of German studies, I myself have gone to Germany, visited German universities twice on scholarship, fully funded. Yeah, it's not everyone get this chance. So basically Germany invest on education. They give scholarships and there are so many foundations that give scholarship. And this is all tax of a common German citizen. Very law abiding. They have this ticket, you know, they have ticket machines. It's not that there is a counter and somebody is sitting and you have to take tickets. No, there are tickets machine. And if there is nobody to check, there is no TT, still German will buy a ticket. It's not ki chalo free mein chalte hain, koi hai to nahi, dekh nahi raha hai, nahin. Toh ye law abiding hai. Tabhi Germany aaj itna developed bhi hai. Theek hai? Koi man mein chori karne wala nahi, bhavna nahi hai. It's because it's their money. And it's going in the government, to the government of their country only. So agar unka money directly, indirectly, Germany ke development mein hi jayega. Okay, they have this law abiding nature. Okay, wo law ko bahut mante hain. Then the headquarters of European Central Bank are in Frankfurt. Okay. Companies, yeah, if we talk about companies, big big companies, big big inventions have taken place in Germany. German are, you know, very it's a land of, again I told you, poets, thinkers, inventors and philosophers. So like Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, Audi, jitne bhi luxurious car hai India mein, sab German company hai. Siemens, Allianz, Adidas, Porsche, Bosch and Deutsche Telekom, Puma, Reebok, Nivea, ye sab German companies hai and they are of best quality. Then we have some German companies and headquarters. You can read this on your own. Yeah, you can read this again. Then let's talk about transport. Autobahn is the federal controlled access highway system in Germany. Autobahn, I told you, it's a highway. Intercity Express and ICE network of Deutsche Bahn. Deutsche Bahn is train, like we have Indian Railways. Same for German train system, it's Deutsche Bahn. Serves major German cities as well as destination in neighboring countries. Okay, so Germany itna landlocked hai. Germany mein ek desh ke baad desh hai. It's not ki pani hai, fir dusra desh hai ki jahaz se hi jana padega ya aeroplane se jana padega. Aisa nahi hai. So German trains alag alag deshon mein tak bhi jati hain. Prague, even Russia, Poland, then France. इटली तक ट्रेन जाती है, स्पेन, पोर्चुगल. ओके, सो इट्स यू नो एवरीथिंग इंटरसिटी. अब ट्रेन के भी टाइप्स हैं, इंटरसिटी है और बुलेट है, सुपर फास्ट है, देन दे हैव मेट्रो ऑल्सो, दे हैव रीजनल ट्रेन्स ऑल्सो. ओके, तो इनके टिकट्स भी अकॉर्डिंगली डिफर करते हैं. ओके, सो द एवरीथिंग इन जर्मनी इज वेरी 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 बेस्ट. देन द लार्जेस्ट जर्मन एयरपोर्ट इज फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट एंड म्यूनिक. म्यूनिक again a largest city, one of the largest cities.
Germany is committed to the Paris Agreement and several other treaties promoting biodiversity, low emission standards, and water management. So I already told you that Germany is very much dedicated to save environment. एनवायरमेंट को सेव करने के लिए हर मेजर अपना रखे हैं जर्मनी में, और ये पेरिस अग्रीमेंट हुआ था. पेरिस अग्रीमेंट पेरिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि पेरिस में हुआ था. ओके, सो प्रमोटिंग बायोडायवर्सिटी. बायोडायवर्सिटी पेड़ पौधे काटना नहीं है, अगर सपोज कहीं कट रहे हैं तो कहीं उसी को लेके कहीं और उगाना है, कहीं 10 पेड़ और लगाने हैं. ठीक है, वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए. बाथरूम का पानी एक अलग सिस्टम में जाएगा. यू कैन वेरी मच ड्रिंक टैप वाटर, इट्स सो प्योर. ओके, देन टूरिज्म. हाँ, टूरिज्म इज वेरी मच देयर. जर्मन्स लव टू ट्रैवल, दे हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेशन. या एंड बेसिकली इन वेकेशन दे वॉन्ट टू गो टू सम सनी एंड बीच साइड एरिया, इटली और स्पेन. So if you happen to visit to Germany, then Neuschwanstein's castle is in Bavaria. It's very, you know, very old castle. You can watch the images on YouTube and Google. Then Germany is the 9th most visited country in the world as of 2017 with 37.4 million visit. Yeah. So you can very well see that people tend to visit Germany very often. Then there are few tourist places. Cologne Cathedral, Brandenburg Gate in Berlin, Reichstag in Berlin, again Reichstag, Parliament, Hofbräu House in Munich, Bavaria is a brewery. Yeah, brewery where beers are manufactured. Germany is actually a country of land, country of philosophers, poets, thinkers, everyone, but also of beer and bread. There are 1200 types of beer in Germany, which are actually produced in Germany only. And almost 2000 type of bread, yeah, which is produced in Germany only. So you can see the how this a country who has seen so brutal side of history and it's now so much developed. Yeah, it's because its citizens are so much dedicated towards the development of Germany. Okay. Yeah. Yeah, you can read very well. Dresden Springer is a palace built in Baroque after Renaissance. If you have done Renaissance, then Baroque, Rococo, these are small art, what we say, art movements. So, jaise hamare Mughal era ho gaye, hamare Hindu king ke era ho gaye, to unme particularly ek tarah se temple banaye jate the, particular palace bante the. ऐसे ही Baroque style मतलब Baroque period में एक particular तरीके से ये बनते थे बिल्डिंग्स. या देन वी डिड मार्टिन लूथर, सो द फॉलोअर्स ऑफ लूथर वर नोन एज लूथरन. बेसिकली लूथरन दे आर प्रोटेस्टेंट. देन नेक्स्ट पेज, हाइडलबर्ग कासल इज अ रुइन इन जर्मनी एंड लैंडमार्क ऑफ हाइडलबर्ग. सो देयर इज अ हाइडलबर्ग कासल, इट्स अ ब्यूटिफुल कासल. आई had opportunity to visit it and it's a ruin. Basically kuch nahi hai wahan pe, aisi banjar pada hai, but it's a landmark. Okay, landmark means when you get postcard mein ye Heidelberg ka castle zarur hota hai. Now you can watch on Google how does Heidelberg castle looks like. Yeah, Fernsehturm is a television tower in central Berlin. Okay, so there is a television tower, there are radio channels, tower, everything, and much before. जब हमने सुना भी नहीं था कि इंडिया में, मे बी लेट 90s में आया है टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट 75 या 80 में आया है, उससे कई साल पहले जर्मनी में ये सब कुछ था. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जर्मन साइंटिस्ट आर बेस्ट. यूरोपियन स्पेस ऑपरेशन सेंटर इज लोकेटेड इन डार्मस्टट. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ फिजिसिस्ट फ्रॉम जर्मनी ओनली, जिसको हिटलर ने यूएसए जाना पड़ा था, बिकॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज हिमसेल्फ अ ज्यू. ऑलराइट, देन यू हैव इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज. कार वॉज इन्वेंटेड बाय कार्ल बेंज, डीजल इंजन बाय रुडोल्फ डीजल, मोटरसाइकिल बाय जी डाइमलर, प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहान गुटेनबर्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय हाइनरिश हर्ट्ज़, law of electric conduction, then you have x-rays, quantum, uranium, ozone, everything, these small things were discovered and invented by German scientists.
because you know Germany government, German government, they invest a lot of money on education and on research till now. Okay, so that is why more discoveries and inventions have taken place in Germany. Germany was declared the most innovative country in the world in 2020 Bloomberg Innovation Index. Okay, 2020, last year only, most innovative country. Because, you know, the upbringing of a child is like this, to critically analyze, to ask questions, to be curious, ki ye aisa kyun hai? Ye nahi ki India mein ki chalo chup ho jao, tum chup ho jao, koi nahi baat karega. Nahi. Kids are actually encouraged to ask questions. To critically analyze things. Okay, so out of curiosity, out of critically analyzing things, new innovations, new inventions come up. Okay, the Gottfried Wilhelm Leibniz Prize is granted to 10 scientists and academics every year. Yeah, and even in Germany, in Center of German Studies, Professor Anil Bhatti, now he's Professor Emeritus, he retired almost 20 to 25 years back. He was also granted this prize. Grimm Brothers. Yeah, Grimm Brothers are, it's the most remarkable prize award honorarium in literature field. And he was granted. So being a JNUite, being a member of CGS, CGS is Center of German Studies. It was very, you know, a golden time for us. Then demography, you know, 83.1 million. It's, I think, equal to MP, Madhya Pradesh, yeah. Jitna Madhya Pradesh hai, utna hi Germany hai. Aur population, I think, UP ki hai, Uttar Pradesh ki half hai. So you can very well imagine people there roaming. They have big houses, not so much crowded, everything going so smoothly. Yeah, again, population control. Then Germany is the most populous country in European Union. The second most populous country in Europe after Russia. And the 19th most populous country in the world. Yeah. India ka number, I think, up second or first China ke baad aata hai. I don't know. I'm not sure. Germany is 19th most populous. 19th number of population. Mein. Okay. The overall life expectancy in Germany at birth is 80. Yeah, 77.93 for males and 82 for females. So an average German women, old women, will live for 82, 85 years and even more than that. As of 2018, Germany ranks fifth among EU country in terms of the percentage of migrants in the country's population. Okay, so there was a survey in 2018 and Germany ranked fifth. And the criteria was the population of migrants. So there are so many migrants going there. Almost half of the Syria, half of the countries where ISIS was very much active, they are in Germany only. Languages, German is the official and predominant spoken language in Germany. And, you know, they want to preserve German language. It's not that they are adapting English now, no. And they, you know, they promote German. That is why there are students who are studying German. There are Goethe Institute. In India, we have 5 to 6 Goethe Institutes. Max Müller Bhavan. Jahan pe German padhai jati hai. Kitne chote chote institutes hai India mein jahan German padhai jati hai. Schools mein padhai jati hai. So, if you are in German studies and you want to get a job after your bachelor's, you will have ample of opportunities. There is Amazon. There are Google. Then German is most widely spoken first language in the European Union by around 100 million native speakers. So native speakers, native means unki matribhasha German hai. German is one of 24 official and working languages of European Union. So ab sirf hum Germany ki baat nahi karte hain, ab sirf pura European Union ki baat hoti hai. So European Union mein bhi Germany is at the topmost level. Then German is official language in 6 countries, Germany, Belgium, Austria, Switzerland, Luxembourg, Liechtenstein. Okay, so actually jo map aap log dekhte ho, usme Liechtenstein dikhta nahi hai. There is Germany in north, uske niche Austria hai, east side, uske niche west side mein Switzerland hai, aur in teenon desh ke beech mein ek chota sa desh hai, bahut chota, shayad wahan pe matlab jaise ek hamara Delhi ka bhi half ho gaya, kuch 20-30 kilometer ka ya isse zyada thoda bahut. वो है लिश्टेनस्टाइन, लिश्टेनस्टाइन.
इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम लाइकेनस्टाइन, बट मुझे जर्मन आती है इसलिए ये लिश्टेनस्टाइन है. जर्मन आर टिपिकली मल्टीलिंगुअल, सो बेसिकली दे नो मोर देन वन लैंग्वेज. लिंगुअल लैंग्वेज, मल्टी मेनी, सो दे नो इटालियन, दे नो फ्रेंच, दे नो जर्मन, या दे आर मल्टीलिंगुअल्स. 67% ऑफ जर्मन सिटीजंस क्लेम टू बी एबल टू कम्युनिकेट इन एटलीस्ट वन फॉरेन लैंग्वेज एंड 27% इन एटलीस्ट टू. एजुकेशन, नाउ लेट्स कम टू एजुकेशन. एजुकेशन इज फ्री इन जर्मनी. If you get opportunity to go there and do your master's or PhD or postdoc, then please do, because it's free of cost. Okay. Optional kindergarten education is provided for all children between 3 and 6 years old, after which school attendance is compulsory for at least 9 years. Okay. So the school system is not like ours, KG, UKG, LKG, nursery, prep, whatever. Then first to 12th class, फिर graduation, post-graduation, नहीं, ऐसा नहीं है. वहाँ पे सबको kindergarten, kindergarten KG, आप लोग भी पढ़े हो KG में, ये German word ही है. Kinder, kinder means बच्चे, garden, garden means garden. Okay? So सबको kindergarten करना है. उसके बाद सबको 9 साल तक स्कूल में जाना है. एंड इन बिटवीन दिस 9 ईयर्स दे विल डिसाइड देयर फील्ड. क्या किसी को यूनिवर्सिटी जाना है, क्या किसी को कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी है, क्या किसी को लाइक वी हैव आईटीआई प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग. क्या अगर सपोज किसी को डॉक्टर बनना है तो वो यूनिवर्सिटी क्यों जाएगा, वो पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों. जो कोई स्कॉलर है, ओके, सो यू पीपल आर वेरी यू नो लकी दैट यू विल बी कमिंग टू यूनिवर्सिटी. देन वी हैव अ सिस्टम ऑफ अप्रेंटिसशिप कॉल्ड डुआला हाउस बिल्डिंग, लीड्स टू अ स्किल्ड क्वालिफिकेशन व्हिच इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू अ एकेडमिक डिग्री. ऑलराइट, सेम लाइक आईटीआई, लाइक वी हैव डिप्लोमा. कोई बीटेक करे, कोई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करे, थोड़ा स्टेटस का लेवल कम हो जाता है, बट पढ़ाई एक ही है. सेम वे इफ सपोज आई डोंट वॉन्ट टू डू माई ग्रेजुएशन, आई वॉन्ट टू डू दिस डुआला हाउस बिल्डिंग, आई वॉन्ट टू डू सम अप्रेंटिसशिप लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग, मुझे तुरंत जॉब चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुझे करनी है. सो दैट विल ऑल्सो बी अ स्किल्ड क्वालिफिकेशन एंड इट विल बी कंपेरेबल टू एन अकेडमिक डिग्री. ये नहीं कि ओहो डिप्लोमा है, डिग्री होनी चाहिए. अंडरस्टैंड, दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज नॉट देयर इन जर्मनी. Then most of the German universities are public institution. It means government is paying everything. It's free of cost and students traditionally study without fee payment. According to an OECD report in 2014, Germany is the world's third leading destination for international studies. Almost from every country, students want to go to Germany because of the best education, because of the best books, best study material, and plus no fee. Only paisa किसके लिए चाहिए होगा, आपके रहने के लिए, आपका अपने खर्चे के लिए, दैट्स इट. देन हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी इज जर्मनीज ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग. ओके, सो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी आई थिंक 1200 सेंचुरी में बनी थी, 1200-1400 ऐसा ही, बहुत पुरानी है. एंड या यू कैन सी द इमेजेस ऑन गूगल कि कैसी लगती थी, अभी भी है, अभी भी उसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. Then we have the Humboldt University of Berlin, founded in 1810 by the liberal educational reformer Wilhelm von Humboldt, became the academic model for many Western universities. Okay, so present day Humboldt University is a model for many other Western universities. Now here Western university means universities of USA, universities of UK. Okay, so you have to imagine ki Germany ka West kya hoga, USA, UK. Okay, these things. If we come to health, Germany's system of hospital called Krankenhäuser. Kranken means ill, sick, bimar log. House, häuser, house means house. ठीक है, घर. बीमार लोगों का घर. और ये häuser, A है, A के ऊपर दो dot है, ये इसका plural form है. ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, एक वचन बहुवचन. देन जर्मनी हैज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम.
In 2014, Germany spent 11.3% of its GDP on healthcare. Germany ranked 20th in the world in 2013 in life expectancy, with 75 years for men and 82 years for women. You have already done. Obesity in Germany has been increasingly cited as a major health issue. Okay, so aisa nahi hai, log wahan pe kafi health conscious hain, aur abhi obesity is increasing. Culture Oktoberfest. It is the world's largest beer festival and traveling fun fair held annually in Munich. It is a 16 to 18 day folk festival running from mid or late September to the first Sunday in October. So basically, Oktoberfest naam hai Oktoberfest, jo ki September mein hota hai aur October ke starting mein end bhi ho jata hai. What this fest is all about? This fest happens in Munich, that is München, in Bavaria. Yeah, jo humne castle ka naam padha tha, Neuschwanstein Castle. उसके राजा ने ये फेस्ट स्टार्ट किया था. बहुत कहानियां हैं कि हार्वेस्ट अच्छी हुई थी इसलिए एक जश्न में ये फेस्ट स्टार्ट हुआ था. सो व्हाट दे डू इन दिस फेस्ट, पीपल वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, लेदर पैंट्स, लेदर की बनी होती हैं लेदर, एंड वुमेन वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स. दैट ट्रेडिशनल क्लोथ्स आर कॉल्ड ट्राक्ट, TRACHT. Just listen these things won't help you in exam, but later on these might help you. Okay, so Oktoberfest aap dekhna, basically it's a fest to drink beer and log pagalon ki tarah beer peete hain, and there are waiters and waitresses who are trained to hold a beer. They in their hands, in their these 10 fingers, they hold at least 20 glasses of beers. How? They are actually given a proper professional training. If you are a waiter in Oktoberfest, then you have to get trained. Okay, it's not so easy that you are bringing in train. No, they have to hold everything in their hand in such a way that they actually carry more than 20, more than 30 glasses of beer. And those glasses are not so small. They are big glasses. Okay, these images, I'm just telling you because you might feel interested in German culture, and you can watch these images on Google and YouTube. Then as of 2016, UNESCO inscribed 41 properties in Germany on the World Heritage List. World Heritage List, there is a list which are to be preserved. So Germany mein 41 aisi country, aisi monuments hain, aisi jagah hain, jo UNESCO ne keh rakha hai ki inko hamesha preserve karna hai. In pe ek tarah se they are, treasure, wo khajana hai. 3rd October has been a national day of Germany since 1990. You did this. Celebrated as Tag der Deutschen Einheit, German Unity Day or German Unification Day. And it's very much celebrated. Germany mein itni official holidays nahi hoti hai. Christmas, then you have Halloween, then you have this Good Friday and Easter. And then you have this 3rd October. Then chote chote regional fest hoti hai. Regional fest jo har region ke khud ke hoti hai. Okay? Yeah, musicians, आपने बीथोवन का नाम सुना होगा, बाख, ये देन वेबर, देन मैंडलसोन, शूमान, ब्राम्स. या अगर आपको थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आपने इनके नाम पक्का सुने होंगे. दे ऑल वर फ्रॉम जर्मन स्पीकिंग एरिया. दे वर फ्रॉम ऑस्ट्रिया एज वेल, बट अगेन ड्यूरिंग दोस टाइम ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी वर वन. Karl Heinz, Stockhausen and Wolfgang Grimm are important composers of 20th and early 21st century. So basically, German sirf philosophers nahi hai, German sirf sahityakar nahi hai, German sirf scientist nahi hai. Germans ko music, art, culture se bhi bahut pyar hai, and there are many many famous musicians. German popular music of 20th and 21st century includes the movement of Neue Deutsche Welle. Again, these are movements. I told you, हर जैसे हमारे हिंदी में भी अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा है इंग्लिश या हिंदी लिटरेचर में, तो प्रगतिवाद में जब प्रगति को आगे लाया गया, प्रगति के बारे में लिखा गया, ऐसे ही मूवमेंट्स होते हैं. पॉप मूवमेंट, रॉक म्यूजिक, या इंडिया में हो गया भक्ति मूवमेंट, जब मीराबाई, कबीर, इन सब के ये इन सब ने लिखा. ठीक है, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट है. ऐसे ही जर्मन हिस्ट्री में, एंटायर कल्चरल हिस्ट्री में मूवमेंट्स है, लाइक नोया डॉयचे वेले, पॉप, ऑस्ट रॉक, हैवी मेटल रॉक, पंक, पॉप रॉक, इंडी, फोल्क्स म्यूजिक,
hip hop. Okay, you can watch these videos and audios on. Then Arts, Wanderer Above the Sea of Fog by C.D. Friedrich. Please do watch this painting. This is very, very famous painting. If you will be in German studies, then in the center itself, in front of a chairperson building, there is this painting. Yeah, so you should know that why this is so famous. Then Rodier is the Forest by Franz Marc. Renowned contemporary architects and office includes a Pritzker Prize winner. Remember, then Berlin Fashion. And philosophy, the Brother Grimm's. Brother Grimm, aap logon ne Cinderella, Snow White, Red Riding Hood. अगर आप लोग हिंदी से में पढ़े हैं तो चुन्नी लाल मुन्नी की कहानी सुनी होगी. एक लड़की लाल रंग का स्कार्फ पहन के जंगल से जा रही है और भेड़िया उसका पीछा कर रहा होता है. वो अपनी नानी या दादी के पास जाती है. ठीक है, तो ये सब स्टोरीज कहाँ से आई? ये सब स्टोरीज जर्मन ब्रदर थे दो ग्रिम, जिनको ब्रदर ग्रिम कहा जाता है, उन्होंने कलेक्ट करी. ये सब लोक कथाएं हैं, लोक में प्रचलित थी. इंडो जर्मन स्टोरीज हैं ये, यानी इंडिया इंडो जर्मन, जर्मन इंडो जर्मन भाषा का पार्ट है. संस्कृत इंडो जर्मन भाषा का पार्ट है. तो हमारा इंडिया और जर्मनी, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा में काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं. ठीक है, तो ये कहानियां जो आप अब डिज्नी पे देखते हो, ब्यूटी एंड द बीस्ट और सेवन ड्वार्फ और क्या क्या आप लोग देखते हैं, जितने भी प्रिंसेस और प्रिंस हैं, कि एक फ्रॉग प्रिंस फ्रॉग बन गया और देन प्रिंसेस किस्ड द फ्रॉग एंड दैट फ्रॉग टर्न्ड इनटू प्रिंस, या ये सब कहानियां, ये ब्रदर ग्रिम्स की कहानियां हैं, फेरी टेल्स हैं. और ये सब जर्मनी में कलेक्ट हुई थी 1800 सेंचुरी में. ओके, वेल नोन जर्मन ऑथर्स इंक्लूड योहान वोल्फगांग फॉन ग्योथे. ग्योथे इज अ कैनन, कैनन कैनन लाइक तोप. हाँ, Goethe is very, very famous. That is why all the institutes are called Goethe Institute. Only in India, they are called Max Müller Bhavan. Okay? Otherwise, all these cultural institutes from German government are called Goethe Institute. Then Schiller, Lessing, Fontana, you will read about them in your BA second year if you are a student of German studies. Then Frankfurt Book Fair, we talked about this. And Frankfurt Book Fair, पिछले 500 सालों से लग रहा है, 500 सालों से. तो आप सोचो, एक देश जहाँ पे किताबों का इतना महत्व है, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई है, अभी भी वहाँ पे हर बच्चे, हर स्टूडेंट की, हर रिसर्च स्कॉलर की पीएचडी थीसिस प्रिंट होती है, प्रिंट होके वो लाइब्रेरीज में आती है. ओके, इट्स नॉट दैट दे आर इग्नोर्ड. सो दैट इज वाई क्वालिटी भी वहाँ पे बहुत हाई है, पढ़ाई हो कुछ भी हो. ओके, The Enlightenment Philosophy by Immanuel Kant. Please read ki Kant kaun tha. Enlightenment Philosophy. Ye aap agar School of Language, Literature and Culture Studies JNU mein aate ho, to ye sab cheezein aapko help karengi. Theek hai, ye zaruri nahi ki aapko German studies ka hi student banna hoga. Then Formulation of Communist Theory by Karl Marx and Friedrich Engels. Something I want to draw your attention towards is Karl Marx and Friedrich Engels, they came up with the idea of communism. Communism, you know, I need not to explain you. Aajkal sabko sab kuch pata hai. Germany mein Karl Marx ka janam hua, Friedrich Engels ka janam hua. Dono ne communist theory izad ki, dono ne books likhi. Aur kya matlab kya kahe? The irony is this, ki Germany mein hi communism nahi hai. So you can very well imagine this communism ideology is the most failed one. All right, so now you can very well imagine East Germany mein communism tha, to wahan ke logon ka kya hal tha. Wahan ki sarkar ne khud ke logon pe tope chalaye, khud ke logon pe goliyan barsayi. Theek hai, to ye sab aap soch sakte ho. Aap log ab dekho, ye Karl Marx tha 300-400 saal pehle, East German abhi hua, and still they have, you know, actually banned every work from Karl Marx. Karl Marx ke bare mein koi nahi padhta hai, koi janta bhi nahi hai ab to Germany mein, and they themselves were Germans. All right, then Mein Kampf. Mein Kampf is My Struggle in English. Mein Kampf was written by Adolf
Hitler, and it is banned, completely banned in Germany. Capital was written by Karl Marx. Das Kapital means the capital. Then Martin Luther translated the Bible into German language. So the first translator into German language was Martin Luther. Okay. And he, because he wanted to have access of common person to Bible. ऐसा ही क्योंकि लैटिन में लिखी गई है. अब लैटिन में लिखी गई है तो पढ़े लिखे लोग पढ़ेंगे. एक कॉमन इंसान जो खेती कर रहा है, जो लोहार है, जो ब्रेड बना रहा है, उसे कैसे पता कि भगवान से कैसे बात करनी है या भगवान क्या है. या दीज आर द थिंग्स. सो दैट इज वाई मार्टिन लूथर इज अगेन अ कैनोनिकल फिगर. कैनोनिकल फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन जर्मन कोर्स ऑफ हिस्ट्री, लिटरेचर, ट्रांसलेशन, कल्चर, एवरीथिंग. Okay, now there are few things. German Nobel Prize winners in literature: Christian Theodor Mommsen, Rudolf Christian Eucken, Paul Ludwig Heiser, Gerhard Hauptmann, Thomas Mann, Hermann Hesse, Nelly Sachs, Heinrich Böll, Günter Grass, Hertha Müller. Yeah, they are the again major authors. These you will read in your masters, in your BA second or third year. Okay, now media is one of the best in Germany. German's television market is the largest in Europe with some 38 million TV households. Germany's national radio network is Deutschland Radio and the public Deutsche Welle. Deutsche Welle, Deutsche means German, Welle means wave. So German wave, okay, Deutsche Welle is the main German radio and television broadcaster in foreign languages. Even if you know, if you are in German studies, so please, I always recommend to every student of mine, do see Deutsche Welle videos, do hear Deutsche Welle audios and read the text, read the news available on Deutsche Welle. They have this level also, A1, A2, B1, B2. And you know, this Deutsche Welle website, they help you to learn German very easily, very effectively. Germany's print market of newspaper and magazine is the largest in Europe. Germany has large video gaming market. Yeah, it's all youth things. You might be interesting. The renowned Babelsberg studio in Potsdam was established in 1912, thus being the first large-scale film studio in the world. So film studio in 1912. And what was happening in India? We were still struggling for our independence. Okay, so there is a vast difference between Germany, India, or Germany, or any other developing nation. Germany is very, very much developed. Yeah, then you might have heard of Berlin International Film Festival. It's called Berlinale. Yeah, and there are so many movies, Indian movies who are chosen for Berlinale, who are shortlisted for Berlinale. Then we have the Lolas are annually awarded in Berlin at the German Awards. Again, this is an award in movies. Yeah, cuisine, something of interest. Bread is a significant part of German cuisine. Now, bread not like our bread, ki 12-13 piece mein ek packet mein bread hai, nahi. Wahan ki bread aap YouTube pe dekhna kaisi hoti hai, aur har tarah ki hoti hai aur bahut healthy hoti hai. Okay? Bread is a significant part of German cuisine and German bakeries product about 600 main type of bread and 1200 type of pastries and rolls. Okay? And their pastry, their bread, their rolls, everything is so authentic, so tasty, so genuine. Quality is best. Then German produce their ubiquitous sausages. Sausages, if you are non-vegetarian, you might be knowing how sausages they are made up of. Almost 1500 varieties, including Bratwurst and Weisswurst. Yeah, Weiss is white. So Wurst, I don't know, like you might be knowing and you can see the images on YouTube and Google. The national alcoholic drink is beer. All right, because beer is very much manufactured in Germany. Then you have, if you're a football fan, you might be knowing Thomas Müller and many others. Yeah, so football is the most popular and national sport in Germany. And football, Euro Cup ho ya हो जर्मनी फीफा हो, जर्मनी बहुत बार जीता है. ठीक है, बुंडेसलीगा, इट इज द प्रोफेशनल फुटबॉल लीग इन जर्मनी. लाइक वी हैव आईपीएल, इट्स देयर बुंडेसलीगा. द जर्मन मेंस नेशनल फुटबॉल टीम वन फीफा वर्ल्ड कप इन 54 74 90 2014 एंड यूरोपियन चैंपियनशिप इन 72 80 96.
FIFA Confederation Cups in 2017. And you know, there is a occasion, वहाँ पे एक celebration होता है. I happened to be in Germany during this FIFA World Cup in 2014, or maybe Euro Cup, yeah. There are, you know, declared holiday. Okay, Germany का match है, holiday है, half day है. सरकार ही declare कर देगी और बड़े-बड़े TV street पे लग जाएंगे. बड़े-बड़े TV जो वहाँ पे squares होते हैं, square means chalk, market के chalk होते हैं, वहाँ पे लग जाएंगे. एंड कुर्सियां लग जाएंगी कि बैठो, देखो, बियर पियो, एंजॉय योरसेल्फ. ओके, सो स्टडीज, प्लीज विजिट जर्मनी ड्यूरिंग द अक्टूबर फेस्ट, फीफा वर्ल्ड कप, यूरो कप. ओके, देन वी हैव Porsche has won 24 hours of Le Mans race 19 times and Audi 13 times. Yeah, they are racing cars. Then Michael Schumacher, आप जानते होंगे Michael Schumacher के बारे में. He's number one Formula One World Cup champion and he happened to meet with an accident. Since that, then he was in ICU. Germany hosted Olympics in 1936 and 1972. So जब 36 में Olympics host किए थे तब Hitler था. तो जब हमारे प्रेमचंद ने हॉकी में गोल्ड मेडल लाए थे वो actually it was during Hitler. And Hitler was amazed to see him. And he only gave him title of wizard. Yeah. Hockey wizard or maybe, I don't know, wizard, some wizard. Wizard is like a expert. Hmm? Or magician. So you can very well understand. Premchand was perfect. He was an expert. So Hitler ne Premchand ko akele mein bulaya. And Premchand was actually very much, you know, he was afraid. Ki kyun bulaya hai? Dictator hai. Mujhe kyun bulaya hai? Then he said, ki aap aisa kya karte ho? Aapki ball sirf hockey pe chipki rehti. You know, these conversations took place. And they were on very light note. And these you can read on in an interview and in many autobiographies. Then we have... Germany hosted FIFA World Cup in 74 and 2006, UEFA European Championship in 2008 and 2024. Germany was the last country to host both the Summer and Winter Games. These things you can read by yourself also. Munich hosted Summer Games. So basically, they want to tell you that Germany is not only interested in culture, history, reading, study, science. No, they are very much interested in music, dance, and also in sports. And they are best in sports also. So Germany is best in almost every other field. Okay. Then we have Palestinian Liberation Organization, PLO of Israel, killed 12 athletic group in 72 Munich Olympic Games. So you should know this Israel and Germany conflict. Israel is a country of Jews, and almost all the German Jews from Germany who were, you know, who experienced Auschwitz, who experienced Holocaust, they came in Israel, they started living, and they are a little bit against Germany because Germany killed so many of their relatives of other Jews. Okay, so these things you should, you know, interrelate. Ki agar aaj bhi koi Israel ya Germany ka koi wo hai, baat hai, kuch ladai hai, to kyun hai? अगर फ्रांस और जर्मनी के बीच कुछ चल रहा है तो क्यों है? ये सब आपको बहुत जरूरी है सोचना समझना, और ये सब अगर आपको हिस्ट्री पता है तभी आपको पता चल सकते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू ओपन द चैट. मैं चैट बॉक्स ओपन करने जा रहा हूँ, तो जिससे भी जो प्रॉब्लम होगा यू कैन मैसेज हियर. या कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, आप लोग चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस लिख सकते हैं, डाउट लिख सकते हैं. ओके, एंड वन बाय वन दे विल आंसर इट. National symbol, see, national symbol कुछ नहीं है as such. Like we had blue cornflower before, ठीक है? अभी नहीं है कुछ भी ऐसा
अभी आप एम्बलम, एम्बलम इज दैट ईगल, ओके, एंड एनी फ्रैंक वाज दिस लिटिल गर्ल, शी वाज ज्यूइश गर्ल हु एक्चुअली एस्केप्ड होलोकॉस्ट एंड एस्केप्ड हिटलर. या एनी फ्रैंक, इट्स अ स्मॉल स्टोरी ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी फ्रैंक, इट्स अ बुक यू कैन सी, शी वाज ज्यू. देन हाँ, जर्मनी एक हो गया है, जर्मनी 1990 में ही एक हो गया था. अब जर्मनी एक हुआ तभी यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था वो डिसॉल्व हो गया, रशिया, और रशिया में से 17 देश आए, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सो मेनी तान, या 17, यूक्रेन. तो ये सब आपको पैरेलली बहुत पढ़ना पड़ेगा. हिटलर की सीक्रेट पुलिस नहीं थी, सीक्रेट पुलिस थी ईस्ट जर्मन में, ठीक है, जो कम्युनिस्ट रजीम था, कम्युनिज्म था, उसमें थी हिटलर, और हिटलर नहीं, सॉरी, सीक्रेट पुलिस. सीक्रेट पुलिस इज अ पुलिस हु इज एक्चुअली रिपोर्टिंग टू गवर्नमेंट, बट पीपल डू नॉट नो, उन्होंने वो यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है, ठीक है ना, इट्स अ सीक्रेट, वी डू नॉट नो. देन व्हाट इज मल्टीलिंगुअल, सी इफ आई कैन स्पीक जर्मन आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी बोल सकती हूँ, थोड़ी बहुत इंडिया की और भाषा समझ सकती हूँ, देन आई एम मल्टीलिंगुअल. अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है या सिर्फ हिंदी आती है, आई एम मोनोलिंगुअल. अगर मुझे दो भाषाएं आती है, देन आई एम बायलिंगुअल. सो मोनोलिंगुअल, बायलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल. देन हाँ, ईस्ट जर्मनी में एक पार्लियामेंट नाम का कुछ नहीं था, वेस्ट जर्मनी इट्स राइशटाग. ओके, ऑलराइट, राम एंड श्याम, थैंक यू. ओके, ओ यस यस, निशांत, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट, इट वाज ध्यानचंद, सॉरी आई प्रोनाउंस्ड द नेम इनकरेक्टली, सॉरी, इट्स ध्यानचंद. या देन वेस्ट और ईस्ट जर्मनी अब एक है. हाँ सौरभ, राइट, व्हाई डिडंट यू कंटिन्यू योर फर्दर एजुकेशन इन जर्मनी. I was still a GNUite only, okay? I was only in scholarship for 3 months, for 1 month. Then we have full form of NATO, North Atlantic Treaty Organization, yes. Then, Vishal, I think ye German ki aaj last class hai, sirf do hi class honi thi. Then, National Park kitne hai, 16 ya 15? ये फैक्ट है, कोई कंफर्म नहीं है. ये नेशनल पार्क, सी नेशनल पार्क इज अ प्लेस वेयर कुछ बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करनी हो, जहाँ पे फौना एंड फ्लोरा फ्लरिश हो रहा हो, फ्लोरा प्लांट्स, फौना एनिमल्स, ओके. सो दिस कैन वेरी, दिस कैन वेरी इन एवरी ईयर, ज्यादा भी होते हैं, ठीक है. देन व्हाट इज टर्निप वाटर, टर्निप हमजा, did I say turnip water? I said tap water. Do you mean that? कि वहां का पानी इतना शुद्ध है कि आप किचन में टैप वाटर पी सकते हो, आप जिस पानी से नहा रहे हो आप उसको पी सकते हो, ठीक है. I wanted to say this. Turnip, turnip is nothing. It's a shaljam. Reunification 3rd October. Why we call it reunification? Because unification already happened during Otto Bismarck. Okay, so that is why it is reunification. There was no incident that triggered basically चार देशों ने एक देश को कब्जा कर लिया, ठीक है, एक तरफ से USSR और बाकी तरफ से US से यूके फ्रांस. यूएसए यूके फ्रांस की एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही तरह की उनकी गवर्नमेंट है, एक ही तरह की उनकी इकोनॉमी है. अब इनके अगेंस्ट कौन है, USSR. यूएसए और यूएसएसआर में अभी भी होता है ना, रशिया, यूएसए, पुतिन एंड ट्रम्प. हाँ, सो दैट इज वाई यूएसएसआर कैसे अपना अपने एरिया को वेस्ट जर्मनी को दे देता. सो दैट इज वाई नथिंग, देर वॉज नो इंसिडेंट दैट ट्रिगर्ड, इट वॉज दैट दीज फोर पावर्स दे ऑक्यूपाइड जर्मनी एंड थ्री कंट्रीज दे आस्क टू मेक जर्मनी वन एंड दी लेफ्ट ओवर कंट्री वॉज यूएसएसआर, जिसकी आइडियोलॉजी अलग थी, इन लोगों से सेम नहीं थी. फादर फिगर, फादर फिगर आई वॉन्टेड टू से राइन, राइन एक रिवर है. अब रिवर बेसिकली फीमेल पर्सनहुड होता है, जैसे गंगा माँ, गंगा मैया या गंगा माँ, बट राइन रिवर जर्मनी में एक फादर है, ठीक है. आप राइन के बारे में पढ़ोगे तो वो एक मेल मैस्कुलिन फिगर है, ओके.
या दीज आर सफिशियंट फॉर जर्मनी क्वेश्चंस. बेसिकली करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा और इतना हिस्टोरिकली तो नहीं पूछा जाएगा. ठीक है. विशाल आए. हिटलर कंसंट्रेशन कैंप नेम. हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप के नाम आउशविट्स, बिर्केनाउ, बहुत सारे थे. ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड था काफी हर चीज. लोगों से काम करवाया जाता था. खाने को बस एक बोल में, एक टाइम का खाना एक बोल में, बोल मतलब कटोरी, जितना खा लिया और फिर पूरे दिन रात काम. हैवी हैवी मेटालिक चीजें उठवाई जाती थी, पत्थर उठवाए जाते थे. यू नो दीज वीडियोस ऑडियंस यू शुड सी एज अ यू नो अवेयर स्टूडेंट ऑफ JNU. देन व्हाट एल्स, व्हाट वाज ब्लिट्स क्रीग. ब्लिट्स क्रीग इज लाइक क्रीग वॉर, ब्लिट्स लाइटनिंग. ठीक है. इट वाज अ स्ट्रैटेजी ऑफ जर्मन ड्यूरिंग हिटलर, नॉट ड्यूरिंग हिटलर, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. या ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. एस्ताशी, एस्ताशी देव यू रोड सम एस्ताशी, आई डोंट नो. या सीक्रेट पुलिस वॉज SS. यस कौस्तुभ. कल्चर में काफी है. हाँ आउशविट्स गुड. देन व्हाट एल्स. रोहित आपको समझ आया फिर भी या नहीं, हिंदी में बोला तो मैंने. यूरो जोन देखो, पहले यूरोपियन यूनियन बना, शेंगन एरिया हुए, उसके बाद यूरो जोन. यूरो जोन मतलब वो देश हैं यूरो जोन में, 21 से 22 देश हैं कुछ, जिनमें यूरो करेंसी चलती है. ठीक है. जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया, प्राग, इनमें यूरो चलती है. स्विट्जरलैंड में अभी भी फ्रांक चलते हैं, स्विट्जरलैंड में यूरो नहीं चलती है. स्विट्जरलैंड में अभी भी यूरो चलते हैं, बट कहीं कहीं फ्रांक. जैसे अब यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम्स में क्या चलता है, पाउंड. हाँ पहले वो यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट था, फिर ब्रेक्सिट हो गया, अलग हो गया, और लेकिन उसमें उसकी हमेशा यूके की करेंसी रही है पाउंड. ओके. बास्टिल, या बास्टिल वाज अ पैलेस. यस इट्स करेक्ट. देन फादर फिगर इन जर्मनी. कासल्स, हर हर एक सिटी में कासल है. कासल मीन्स पैलेस. जर्मनी का मोटो कुछ नहीं है, बस बेसिकली दे वांट फ्रीडम, दे वांट यूनिटी, दे वांट एवरीवन टू बी हैप्पी, प्रॉस्पेरस, दैट्स इट. ओके. वर्साई इज नॉट रिलेटेड टू जर्मनी. वर्साई इज अ पैलेस. वर्साई इज अ सिटी इन फ्रांस, जहां पे एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें जर्मनी का काफी ह्यूमिलिएशन हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन. ओके. देन व्हाट आर द अदर क्वेश्चंस. करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ऐसा जर्मनी से कुछ नहीं है. जर्मनी से आप बेसिकली मोटी मोटी चीजें पढ़ लो, चांसलर, प्रेसिडेंट, कितने स्टेट्स हैं, और थोड़ा नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग, लैंग्वेजेस स्पोकन, ओनली दिस मच. सो रीजन बिहाइंड हिटलर सुसाइड, आप खुद सोचो, इतना मर्डर किया है, इतना ज्यूस को मारा है, और उसे जिंदा अगर वो पकड़ा जाता तो उसके साथ क्या क्या होता. तो इससे अच्छा खुद ही सुसाइड कर लिया. ठीक है. वर्ल्ड वॉर टू भी खत्म हो गया.